यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव चार चरण बीत जाने के बाद भले ही देर से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी हों, लेकिन आते ही उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया कि हंगामा खड़ा हो गया। वहीं अब उनके बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। योगी ने पहले ट्वीट करते हुए कहा कि हाँ, मैं भगवाधारी हूँ। फिर सीएम योगी ने कहा कि मौलवियों के दरबार में नाक रगड़ने वाले लोग इसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे, इस पर संस्कार और संगत का असर पड़ता है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने एक जनसभा में भी डिंपल के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि एक बात मुझे बहुत खटकी है, कल आपने सपा के कुछ लोगों के बयान सुने होंगे, वह बयान सृष्टि का भी अपमान है, सनातन धर्म और संत समाज का भी अपमान है। भगवान को उन्होंने जंग के साथ जोड़ा है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं भगवाधारी हूँ। उन्होंने कहा कि हर उत्तर प्रदेशवासी कहेगा हम भगवाधारी हैं, इसीलिए बोलेंगे क्योंकि यह भगवा सृष्टि की ऊर्जा का रंग है। सूर्योदय जब होता है तब भगवान सूर्य का रंग भी भगवा ही होता है। गौरतलब है कि डिंपल यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोहे में लगने वाले जंग को भगवा से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि यह जो डबल इंजन की सरकार है, जब इंजन में जंग लग जाता है, जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है कि जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है, तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। डिंपल यादव के इस तंज के बाद बीजेपी के नेता भड़क गए थे, लेकिन अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब दिया है। डिंपल यादव के बयान पर सीएम योगी ने कहा कि भगवा भारत की सनातन धर्म की परंपरा और ऊर्जा का प्रतीक है, भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी होती तो संभवतः भारत की संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव होता। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ दो चरणों का चुनाव बचा है और जुबानी जंग रोचक हो चली है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।